हैप्पी हेल्दी वेल्दी टाइम्स। आज मैंने बनाया है मेथी का पराठा, तो आप देख सकते हैं कि ये पराठा जो है वो कितना फुला फुला बना है। तो चलिए देखते हैं कि पराठा मैंने किस तरीके से बनाया है। मेथी का पराठा बनाने के लिए मैंने 1 किलो मेथी ली है, जिसको अच्छे से चुन लिया है, तोड़ लिया है। मेथी का जो डंठल है वो बहुत बड़ा बड़ा होता है, तो आपको इस तरीके से जो पत्ता वाला भाग होता है उसको निकाल लेना है और डंठल को हटा देना है। तो आप देख सकते हैं कि 1 किलो मैंने मेथी ली है, और इसको जब मैंने इसका डंठल तोड़ के अलग किया तो ये इतना बचा है। तो अब हम इसको सबसे पहले धो लेंगे। यहाँ पर मैंने साग को धो लिया है, और अब हम इसमें डालेंगे 2 हरी मिर्च और 7 से 8 लहसुन की कली। स्वादानुसार नमक डालेंगे हम इसमें। मेथी गलेगा और ये गल के कम हो जाएगा, तो इसी हिसाब से हम इसमें नमक डालेंगे। और अब हम गैस को ऑन कर देंगे और मीडियम फ्लेम पे मेथी को पकने देंगे। 2 से 3 मिनट बाद आप देख सकते हैं कि मेथी जो है वो गलना शुरू हो गया है, इस मेथी ने पानी छोड़ दिया है। तो इसी तरीके से इसको आपको पकाना है जब तक इसका पानी जो है वो सूख नहीं जाए। मेथी का सारा पानी सूख गया है, और अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और मेथी को ठंडा कर लेंगे। मेथी ठंडा हो गया है, मेथी को हम डालेंगे एक मिक्सी के जार में। तो यहाँ पर मैंने छोटा वाला मिक्सी का जार लिया है, तो मेथी को हम 2 बार में पीसेंगे। तो इसको डाल देंगे और इसमें हम डालेंगे 1 इंच अदरक का टुकड़ा। इसको पीस लेते हैं। मेथी को मैंने पीस लिया है, इसी तरीके का आपको पीसना है, एकदम महीन, आप देख सकते हैं। तो अब बाकी का बचा हुआ जो मेथी है उसको भी हम को पीस लिया है मैंने, और इसको सेम बर्तन में डाल दिया है। और अब हम इसमें डालेंगे स्वादानुसार नमक। तो नमक मैंने मेथी को पकाते टाइम भी डाला था, और तब उतना ही डाला था जितना हमें मेथी के लिए चाहिए। और अभी हम इसमें आटा मिलाएंगे, तो उस हिसाब से हम थोड़ा सा नमक इसमें और डाल देंगे। और इसमें डालेंगे हम 1 छोटा चम्मच अजवाइन। इसको हम मिला लेंगे हाथ से अच्छे से। और अब हम इसमें डालेंगे गेहूं का आटा। तो एक साथ बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा हम डालेंगे और इसको मिलाते जाएंगे। इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है। ये जो मेथी हमने पीस के लिया है, इसी से हम आटा को सानेंगे और इसका एक सॉफ्ट डो बना लेंगे। इस तरीके से थोड़ा थोड़ा आटा डालते जाना है और इसको मिलाते जाना है। आटे को सान के मैंने इसका एक सॉफ्ट डो बना लिया है इस तरीके का। और अब हम थोड़ा सा घी लेंगे हाथ में और इसके ऊपर इस तरीके से लगा देंगे, और आटे को हम 10 मिनट तक ढक के रख देंगे। उसके बाद हम इसका पराठा बनाएंगे। 10 मिनट हो गया है, तो आटे को चेक कर लेते हैं। आटा अच्छे से सेट हो गया है। एक बार हम इसको अच्छे से मिला लेंगे इस तरीके से, और अब हम पराठा बनाएंगे। हाथ में हम थोड़ा सा आटा लेंगे, जिस तरीके से हम रोटी बनाते हैं, पराठा बनाते हैं, उसी तरीके से हम आटे को हाथ में लेंगे और इसकी लोई बना लेंगे। लोई आप अपने हिसाब से छोटा बड़ा बना सकते हैं। और अब हम लोई को सूखे आटे में इस तरीके से मिलाएंगे और इसको बेल लेंगे। इस तरीके से गोल बेल लेंगे इसको।
तो यहाँ पर मैंने पराठा बेल लिया है, तवा भी गर्म हो गया है, तो पराठे को हम तवे पे डाल देते हैं इस तरीके से। जैसे ही पराठा थोड़ा सा सिक जाए हम इसको पलट देंगे और पीछे की तरफ से भी हम इसको सेक लेंगे। पराठा दोनों तरफ से सिक गया है, अब हम इसमें घी लगाएंगे। घी हम पराठे में दोनों तरफ से लगाएंगे और आप देख सकते हैं कि हमारा पराठा जो है वो कितना फुला फुला बना है। इसी तरीके से हम बाकी का बचा हुआ पराठा भी बन के रेडी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।